हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक महाजन एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनरिक टेकी। सो दोस्तों, एक बार फिर आप सबके डिमांड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप की डिटेल्स। हम बात करने वाले हैं ASUS ROG Zephyrus G14 की, जो 2020 के स्टार्ट में लॉन्च हुआ था एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लैपटॉप है। मैंने काफ़ी डिटेल में स्टडी करी है इस लैपटॉप पर एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके डिज़ाइन से लेके इसकी स्पेसिफिकेशन, यानी जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपको वेरियंट्स में मिलती है वो, एंड उसके बाद सबसे डिटेल में बात करेंगे हम चार वेरिएंट्स जो उसके आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइसेस का क्या आने वाला है एंड क्या आपको इस लैपटॉप के लिए रुकना है या नहीं रुकना है। सो दोस्तों, ये लैपटॉप जो है 14 इंच कैटेगरी में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लैपटॉप है। क्यों नहीं होगा, आपको राइजन 4000 सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये पावरफुल तो होंगे ही लैपटॉप्स। तो चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे एंड सबसे पहले डिज़ाइन की बात करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को प्रोसीड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड ऐसी और वीडियोज़ फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करेंगे, तो डिज़ाइन के यहाँ पे क्या ही कहने दोस्तों, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ओवरऑल जो है लैपटॉप को देख सकते हो किसी भी एंगल से, जो है ये एक सस्ता लैपटॉप नहीं देखने को लगेगा। इट्स वेरी ड्यूरेबल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला लैपटॉप है एंड सबसे बढ़िया बात मेटेलिक फिनिश के साथ आएगा। टोटली मेटेलिक बिल्ड है इसकी, तो टफनेस बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे बहुत अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी एंड जो आपको यहाँ पे कलर्स ऑप्शंस मिलते हैं वो दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, एक ब्लैक एक वाइट। द ब्लैक इज़ नॉट एक्चुअली ब्लैक, इट्स मोर टूवर्ड्स ग्रे, बट आई विल से इट्स अ ब्लैक ऑप्शन एंड द अदर वन इज़ वाइट। एंड सबसे बढ़िया बात दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले पैनल है उसके बैक साइड में आपको 1215 LEDs का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो एक मैट्रिक्स डिस्प्ले की फॉर्म में आपको दिया गया है एंड इट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले कस्टम इमेजेस एंड एनिमेशंस, जो आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकता है एंड इनफैक्ट आपकी जो ऑडियो विजुलाइजेशंस होती हैं उसको भी प्रेजेंट करेगा, जो आपके म्यूजिक प्लेबैक्स को मैच कर सके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ इस डिज़ाइन से। तो यहाँ पे 1215 LEDs का देना बहुत ही क्रिएटिव चीज़ मुझे यहाँ पे लगी। सो दोस्तों, ये तो थी डिज़ाइन की बात, अब यहाँ पे बात आती है इसके परफॉर्मेंस की, इसके कुछ इनसाइट्स की। तो वेरियंट सबसे एंड में है तो आपको तब तक तो वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वेरिएंट्स में डिफरेंसेस आपको जानना बहुत जरूरी है, वही डिफरेंसेस प्राइस को जो है डिसाइड करेंगी। तो सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर एक देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 2020 वेरिएंट है, तो ऑब्वियसली आपको अप टू राइजन 94900HS तक का CPU देखने को मिलेगा विद NVIDIA RTX 2060 GPU एंड यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो अप टू 120 हर्ट्ज तक जाएगी, हाई रेजोल्यूशन WQHD पैनल्स होंगे, IPS डिस्प्लेज होंगी, तो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस की। तो वैसे इस पे क्या ही बात करूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको राइजन 94900HS CPU देखने को मिलेगा विच इज़ बेस्ड ऑन 7 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी, 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ आने वाला ये प्रोसेसर चिप है, तो परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पे बैटरी की, तो आपको अप टू 10.7 आवर्स का वीडियो प्लेबैक एंड अप टू 9.5 आवर्स का वेब ब्राउजिंग देखने को मिलेगा, टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड जो ये टेस्टिंग की गई है जिसके स्टैट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंपनी ने स्पेशली यहाँ पे मेंशन करा है कि उन्होंने जिस पे टेस्ट किया है वो मॉडल था NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU विद Ryzen 4900HS CPU एंड 32 GB ऑफ रैम थी उसमें, तो उस वेरियंट के साथ टेस्ट किया हुआ स्टैट है ये। उसके अलावा दोस्तों, आपको इस लैपटॉप को खरीदने के बाद इस चीज़ की टेंशन छोड़ देनी है कि आपको सॉकेट मिल रहा है चार्जिंग के लिए कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें USB पावर डिलीवरी मिलती है, जिससे जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपनी बैटरी को टाइप सी पावर पैक्स के साथ चार्ज कर सकते हो एंड इनफैक्ट आपके कंपैटिबल स्मार्टफोन्स और बाकी डिवाइसेस को भी चार्ज कर पाओगे, तो विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। उसके बाद डिस्प्लेस में क्या ही बात करने है, आपको डिटेल वेरिएंट्स में मैं बता ही दूंगा, बट यहाँ पे ओवरव्यू ले लो कि WQHD तक रेजोल्यूशन जाएगा, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट जाएगा एंड 85% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगी। पोर्ट्स, यहीं पर बात कर लेते हैं पोर्ट्स की, एक पावर, एक HDMI 2.0, 3.5mm ऑडियो जैक, USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप सी विद डिस्प्ले पोर्ट 1.4 एंड पावर डिलीवरी का ऑप्शन भी मिलेगा इस पोर्ट के साथ। एक और आपको टाइप सी मिलता है USB 3.2 जनरेशन 2, USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए के दो पोर्ट्स मिलेंगे और एक किंगस्टन लॉक मिलेगा एंड साइड का डिज़ाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों, ये तो थी एक ओवरऑल पिक्चर ASUS ROG Zephyrus G14 की, लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे वेरियंट्स वाइज बात। यहाँ पे चार वेरियंट्स आपको देखने को मिलते हैं
एंड हम सबसे हाई वाले से शुरू करेंगे एंड लो तक जाएंगे, तो वो डिटेल्स देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं वेरिएंट्स के साथ आगे। सो दोस्तों, सबसे पहले दो वेरिएंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं हाई एंड वेरिएंट्स, वो है रॉग ज़ेफ़िरस G14 GA401IV एंड GA401IU। अल्ट्रा स्लिम गेमिंग कैटेगरी में आते हैं विंडोज 10 होम एंड विंडोज 10 प्रो आपको देखने को मिलेगा। AMD Ryzen 94900HS एंड AMD Ryzen 74800HS के वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही लैपटॉप वेरिएंट्स में। NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB DDR6 ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिलेगा पहले वेरिएंट में, एंड दूसरे में GTX 1660 Ti 6GB का ही आपको देखने को मिलेगा। मेमोरी की बात करें तो आपको अप टू 32GB एंड अप टू 32GB दोनों में ही मिलेगा विथ 3200 MHz रैम। एंड SSD की बात करें तो M.2 NVMe PCIe 3.0 512GB एंड 1TB के ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे डिस्प्ले में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 14 इंच WQHD IPS पैनल 60Hz 100% sRGB के सपोर्ट के साथ। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 14 इंच नॉन ग्लेयर ऑब्वियसली फुल HD IPS लेवल पैनल लेकिन 120Hz 100% sRGB के साथ। एंड तीसरा सबसे बेसिक 14 इंच नॉन ग्लेयर फुल HD IPS डिस्प्ले तो है लेकिन सिर्फ 60Hz रिफ्रेश के साथ। आपको बैकलिट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा कीबोर्ड में। आपको क्वाड स्पीकर्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे विद डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी एंड USB पोर्ट्स पे हमने पहले ही बात कर ली तो यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 180 वॉट का पावर अडैप्टर मिलेगा, टाइप सी का आपको पावर डिलीवरी 3.2 अप टू 65 वाट तक का आपको सपोर्ट मिलेगा, इस पर भी हमने बात ऑलरेडी कर रखी है। एंड वेट की बात करें तो 1.6 kg आपको वेट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये है पहले दो वेरिएंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगले दो वेरिएंट्स की। जो अगले दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक है G14 GA401 II, एक वो IH, तो ये भी अल्ट्रा स्लिम कैटेगरी में आएंगे विंडोज 10 होम विंडोज 10 प्रो, लेकिन प्रोसेसर में यहाँ पे वेरिएशंस हैं राइजन 74800HS राइजन 54600HS आपको देखने को मिलेंगे। एंड ग्राफिक्स की बात करें तो पहले में 1650 Ti एंड दूसरे में GTX 1650। रैम आपको सेम 3200 MHz अप टू 32GB तक मिलेगी, आपको SSD में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में आपको डिफरेंस है। WQHD वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, सिंपल 14 इंच नॉन ग्लेयर फुल HD IPS डिस्प्ले विद 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 100% sRGB एंड दूसरा आपको 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा। कीबोर्ड अगेन आपको बैकलिट सपोर्ट के साथ, क्वाड आपको स्पीकर्स मिलेगा, बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता एक्सेप्ट वन थिंग कि जो सबसे लास्ट वाला वेरिएंट है उसमें आपको पावर जो है 150W की मिलेगी पावर अडैप्टर जो है, एंड सपोर्ट आपको उसमें भी टाइप सी का मिल जाएगा पावर डिलीवरी 3.0 अप टू 65W। तो बाकी आपको यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते, वेट भी आपको 1.6 kg ही देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये थी वेरिएंट्स वाइज स्पेसिफिकेशंस। आपको डिफरेंसेस भी पता चल गए होंगे कि जो दो टॉप टू वेरिएंट है वो राइजन 9 एंड राइजन 7 के साथ आएंगे एंड एक में आपको RTX 2060 एंड एक में 1660 Ti देखने को मिलेगा। एंड जो छोटे दो वेरिएंट्स आपको लास्ट के दो मैंने बताए, एक में 1650 Ti एंड एक में आपको 1650 देखने को मिलेगा विद प्रोसेसर्स राइजन 7 एंड राइजन 5। एंड जो सबसे छोटा वेरिएंट था उसमें आपको पावर अडैप्टर 150W का देखने को मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस आपको सेम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात आती है प्राइसिंग की। सो दोस्तों, जो सबसे छोटा मॉडल इसका अभी अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो उसका जो प्राइस है वो अराउंड $1100 है, विच इज़ $1099 विच कन्वर्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 80,000 इन इंडिया। एंड उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये इंडिया में सबसे बेसिक मॉडल आपको अराउंड 1 lakh के करीब देखने को मिल सकता है एंड इसके जो टॉप मॉडल है वो अप टू 180 या 2 lakh तक जा सकते हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, वेरिएशन हो सकती है। एंड इंडिया में लॉन्च कब होंगे उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी ढूंढा, बट मुझे नहीं मिला कहीं भी कि इंडिया में कब लॉन्च होने वाले हैं। बट इतना श्योर है कि काफ़ी पावरफुल लैपटॉप होने वाले हैं, कूलिंग सिस्टम भी अच्छा मिलने वाला है, डिज़ाइन भी अच्छा मिलने वाला है, 14 इंच आपको देखने को मिलने वाला है, राइजन 4000 सीरीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन क्या ये आपको लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बजट 1 lakh 1.5 lakh रहता है लैपटॉप खरीदने के लिए एंड आप गेमिंग कैटेगरी में 14 इंच के साथ जाना चाहते हो,
लाइट वेट के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको कीबोर्ड भी फुल साइज़ नहीं मिलेगा, तो आपकी ये प्रेफरेंस रहनी चाहिए, अदरवाइज़ वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाकी जो 2020 में आने वाले लैपटॉप्स हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में बता रखा है, लिनोवो का लीजियन 5i 7i आने वाले हैं, नाइट्रो 5 2020 आने वाला है, एंड और भी बड़े सारे लैपटॉप्स, तो उनका वेट कर सकते हो। इसका वेट तभी करना जो मैंने पीछे आपको थोड़े पॉइंट्स बताए, अगर वो आपके लिए वैलिड हैं तो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, एंड आपके इंटरेस्ट को मैच ज़रूर किया होगा वीडियो ने। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।